शुक्र सलाम नमस्ते दिल से। जो प्रश्न पहला सवाल पूछा है यही मेरे लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। ज़ुबैर खान को मेरे हिसाब से मैं उसको उस किस्म का खुजली वाला पाउडर समझती हूँ। वो नहीं इंसान जंगलों से गुजरता है और खुजली का झाड़ अगर वो क्रॉस करे और छू जाए बदन पे तो पूरे बदन पे खुजली होती है। तो वो मेरे लिए ज़ुबैर खान खुजली वाले पाउडर से कम नहीं है, वो वैसा बन गया। वो आया हमारे पास मदद मांगने है। अब मदद मांगने में वो खुद ही कसूरवार मदद मांगने आएगा, मतलब तुम किसी का मर्डर करो और आके बोलो कि मुझे बचाओ। अरे वाह, ज़ुबैर खान का साथ नहीं दिया तो ये जितने ड्रामे हुए। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है कि जो मुझे एक्सटॉर्शन के कॉल आ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं या तो ज़ुबैर खान के स्टाइल में हंसते हैं या तो ज़ुबैर खान के सब्जेक्ट पे बात करते हैं। अब जब मैंने ये कहा मेरे लास्ट इंटरव्यू में कि ये जो एक्सटॉर्शन के कॉल आ रहे हैं मुझे और ये जो एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि कोई अंडरवर्ल्ड डॉन फ़ोन करके आपको ये नहीं बोलेगा कि एक खोखा छी एक महीने का टाइम दिया, वैलिडिटी नहीं देता है कोई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो धमकी आने लगी, अब पेमेंट की धमकी आने लगी कि ये खोखा चाहिए नहीं तो। अभी मैं आपको कल की रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। कल जिस बंदे का फ़ोन आया जो अपने आप को उस्मान चौधरी बोल रहा है, दाऊद का बंदा, और एक एक बंदे का फ़ोन आता है, क्या है उसका नाम, फहीम मचमच, जो अपने आप को छोटा शकील का बंदा बोलता है। देखो, आप जिसका नाम लेके कॉल कर रहे हैं FIR उनके नाम की बनी, लेकिन इन्वेस्टिगेट होके पकड़े तो वो जाएंगे ना जो रियल में कॉल कर रहे हैं। पकड़ना उनको ही है जो रियल में कॉल करें, कितने दिन छुपेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये डाउट है कि कोई और है इसके पीछे, उनको बदनाम किया गया। 101% ये चीज को समझ चुके हूँ कि नहीं, ये उनका काम नहीं है, क्योंकि कोई भी गैंगस्टर लोग फोन करके इस तरह बात नहीं करते हैं। मुझे भी डिपार्टमेंट के साथ काम करते हुए 12 नहीं 13 साल शुरू हो गया है। लोग 12 साल गिनते हुए बैठे थे, लो दिसंबर आ गया, 13वां साल शुरू हो गया। और मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया है कि क्रिमिनल किस तरीके से बात करते हैं और क्या रहता है उनका एक्सेंट और किस तरीके से वो किसी के ऊपर अपना ढोस जताते हैं। ये वैसे क्रिमिनल नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है ज़ुबैर खान के साथ में गली में घूमने वाले लोग हैं। इससे पहले भी एक आपके साथ में शेरा का हुआ था मैटर जी, तो वो भी क्लियर हो गया था कि किसी और का कॉल था, किसी और का कॉल था, वो भी शेरा ने नहीं किया था। तो ये सब कुछ करने के लिए फ्री कौन बैठा है और किसको इस कहानी में ट्विस्ट मजा मसाला किसको चाहिए? और मैंने जैसे ही कहा कि मुझे लगता है, मेरे लास्ट इंटरव्यू मैंने ये बोला कि मुझे लगता है कि 101% यस ज़ुबैर खान का इन्वॉल्वमेंट होगा ये एक्सटॉर्शन के कॉल्स से रिलेटेड। तो उसके अगले ही दिन यानी कि कल मुझे कॉल आता है। ज़ुबैर का कफन बना दो, यानी कि ये अब ये बोल रहे हैं कि आप मुझे 1 करोड़ मत दो, 50 लाख दो और ज़ुबैर का कफन बना दो। यानी ये बताना चाहते हैं कि ज़ुबैर इनके साथ नहीं मिला हुआ है, बल्कि क्योंकि परसों के इंटरव्यू में मैंने यही कहा था कि ज़ुबैर खान ये एक्सटॉर्शन के कॉल्स में कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व मिलेगा। और लुक एट दिस गाय, बोल रहा है कि ज़ुबैर का कफन बना दो। आपने जब FIR करवाई तो क्या प्रशासन आपकी सपोर्ट में खड़ा है, कर रहा है? प्रशासन सपोर्ट में खड़ा है। इनके फालतू के ऐसे तो बहुत लंबे लंबे कॉल्स होते हैं, इनके कॉल सुना के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी। इनका कहना है कि मेरी डॉटर को, मेरी डॉटर क्योंकि हॉस्टल में पढ़ती है, मेरी डॉटर को उठा के कराची लेके जाएंगे बोलते हैं। अब ये इनका लेटेस्ट वो आया है मुझे नोट के मेरी बेबी को वो लोग उठा के कराची लेके जाएंगे, जैसे उनके बाप का राज चल रहा है। उन्होंने सोचा, सोचने वाले को जिंदा ना छोड़ू मैं, तो मेरी बेटी को उठा के लेके जाने की बात कर। तो आपने ये इंक्वायरी पुलिस को दी? हाँ। तो कुछ सुरक्षा वगैरह का इंतजाम? देखो, वो सुरक्षा देने के लिए तैयार है, पुलिस 100% हमारा साथ दे रही है। और हर पुलिस डिपार्टमेंट ही के बारे में बताऊंगी कि मुझे डिपार्टमेंट पे इतना भरोसा है कि डिपार्टमेंट इन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त में लगेगा। ये क्या कर रहे हैं, एक फोन पे सिम यूज हो रहा है तो व्हाट्सएप किसी दूसरे देश में यूज हो रहा है। आप समझ रहे हैं, जो कॉल मुझे आती है वो डायरेक्ट कॉल्स नहीं होती, कॉन्फ्रेंस कॉल लगा रहे हैं। ये खेल रहे हैं, ज्यादा खेलेंगे कितने दिन खेलेंगे, पकड़े तो जाना ही है ना। इन्होंने सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल ज्यादा देख लिया, प्रैक्टिस ज्यादा कर ली है, तो अपने आप को माहिर खिलाड़ी समझ रहे हैं। तो FIR में कहीं ना कहीं ज़ुबैर खान को भी आपने इन्वॉल्व किया हुआ है? 100% किया हुआ है। मेरा 100% डाउट जो है
कि इस वक्त जो बंदा मेरे घर पे आके आपा आपा बहन बहन करके यहाँ पे दुनिया भर के ड्रामा करने वाला, वो बंदा अगर बोलता है शबनम नाम की औरत बीच में आई थी, ये थी वो थी, तो ये तो पूरी दुनिया जानती कौन आता है और कौन जाता है। मैं कहीं नहीं जाती हूँ, कौन आता है, मदद कौन मांगता है, कौन जाता है। फोटोज देखिए आप जरा, देखा वो सब फेसबुक और आपके अपडेट्स वगैरह। ये तो कुछ फोन में ऐसे ऐसे फोटोज पड़े हुए हैं कि आप देखेंगे तो बोलेंगे कि क्योंकि दिन रात देखिए। ये बंदा बोलता है कि टीआरपी की जरूरत मुझे, इसको जरूरत है टीआरपी की, बच्चे मिल गए। तेरे बच्चे मिले दुनिया को बताने की क्या जरूरत है, तेरे अपने ही है ना, किसी और ने डोनेट तो नहीं किए तुझे बच्चे। अब भागे क्यों थे तेरे बीवी बच्चे तेरे पास से, यहाँ क्यों आया था कंप्लेंट लेके, बीवी बच्चों की भी, बीवी बच्चों की भी कंप्लेंट लेके यही आया था ना कि मेरी बीवी दाऊद क्या दाऊद कंपनी से कनेक्टेड है और मेरी फैमिली जो है लेके चली गई है, वो मेरी जिंदगी लेके चली गई, मेरे बच्चे लेके चली गई है वो। ये मैटर अब खत्म हो जाना चाहिए था, फिर भी बार बार तूल पकड़ लेता है बीच बीच में। क्या रीजन, रीजन क्या है इसका, देखिए क्या चाहते हैं वो लोग आपसे। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा क्या चाहते हैं। एक रुपया तो मैं उनको दूंगी नहीं, समझे। उधर आप देख लो शादी के जितने कार्ड्स पड़े हो, सब गरीब लड़कियों की शादी है जिनको मैंने करानी है। इन काम में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। इन ये अगर बोलेंगे मुझे 10 रुपया भी देने के लिए ना इनको, 10 रुपया तो मैं 10 रुपया भी नहीं दूंगी इनको, क्योंकि ये सब जुबैर खान की कैटेगरी के लोग हैं और जुबैर खान भी 10 रुपया भी डिजर्व नहीं करता। 10 रुपया डिजर्व नहीं करता है। जिस इंसान के पास में जेब में 100 रुपया नहीं आओ, वो क्या बड़ी बड़ी बात करता है। नहीं, आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मैटर ये खत्म हो जाना चाहिए था, मैटर ये खत्म हो जाना लेकिन चाहिए था। अभी तक क्यों नहीं हो पाया, रीजन क्या है ये? मेन मेन खत्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए खत्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने कंप्लेंट की, केस बनाया, पुलिस के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया, हम बैठ गए, राइट। ये खत्म इसलिए नहीं हो रहा है कि जुबैर अपने आप से जो वो आता है, जैसे 2 दिन पहले आया, छिचोरा वर्ड यूज किया उसने मेरे लिए, सलमान खान को लाफा लाफा मारेगा, तो तेरे को सलमान खान का घर नहीं मालूम है किधर रहता है, चले जाओ वहां पे। तू मेरे लिए वर्ड यूज कर रहा छिचोरा वर्ड, और मैं मेरे लिए जो तूने जो भी अपशब्द बोले, तेरे में हिम्मत है आजा सामने मुझे बुला ले। और जो तूने जो जिस, ये मैटर इसलिए नहीं खत्म हो रहा है कि जुबैर खान बेचारा, अब देखो ये बॉलीवुड की बातें और ये C24, मैं दोनों के लिए बोलूंगी कि जुबैर खान एक्चुअली बिग बॉस में गया था फेमस होने के लिए, खाने के वांदे तो पहले से चल रहे थे। अब वो फेमस होने के लिए गया, उसको पब्लिसिटी नहीं मिली, टीआरपी उसको नहीं मिली, इस चीज के लिए मुझे बड़ा अफसोस होगा जिंदगी भर होगा कि उसको उसकी टीआरपी नहीं मिली और उसने टीआरपी लेने के लिए उसने मुझे बुरा बोलना शुरू किया। जो कहा कि मुझे बिग बॉस से या कलर से या एंडमॉल से जो कुछ, जो भी पैसा डोनेशन या जो भी चीज आया, 1 रुपया भी कहीं से आया हुआ कोई प्रूफ कर दे या बिग बॉस चैनल वालों को। अभी क्या होगा कि अगर मुझे किसी ने बोला ना कि बिग बॉस वालों ने ये चीज बोली है, तो मुझे प्रूफ चाहिए बिग बॉस वालों ने बोली है, तो मैं बिग बॉस वाले के ऊपर केस करूंगी। तो कहीं ना कहीं आपको यूज में ले रहे हैं अपनी टीआरपी के लिए। एग्जैक्टली ये जो है सिर्फ टीआरपी के लिए यूज में ले रहे हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मैंने सलमान खान से कब माफी मांगी, जो YouTube पे इतने सारे वीडियो के ऊपर वो जो मैं सलाम और नमस्ते करती हूँ, तो मेरे नमस्ते को उठा के उन्होंने कैप्शन बना के शबनम शेख ने माफी मांगी सलमान खान से। अरे वाह, वो जिसने भी बनाया ना वो कैप्शन डाल के मेरे नमस्ते को उठा के माफीनामा बनाने का, मेरे सामने आना मुंह तोड़ डालोगी, तुम्हारे बाप का राज चलता है, मैं कोई गुनहगार हूं जो मैं किसी से माफी मांगू ना। वो सलमान खान शरीफ है और ना वो जुबैर खान शरीफ है। हाँ, लेकिन एक बात बोलूंगी, जो तू जुबैर खान बोल रहा है ना सलमान खान को लाफा मारने का, तो मुझे देखना है यार तेरे में कितना दम है। सलमान खान ने कहा था ना तुझे कुत्ता बनाएगा, तो मैंने कहा था मुझे देखना है। उसने तो सोचा कुत्ते को क्या कुत्ता बनाना, उसने छोड़ दिया, लेकिन तू तो दिन रात बोल रहा उसको लाफा मारेगा, जरा दिखाना कैसे मारता है लाफा। क्योंकि मैं थोड़ा सलमान खान के बारे में पर्सनली अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कैसा है, मैं वो कैसा है मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है, जरा कोशिश तो कर। और क्या हुआ, खार बैंड्रा वेस्टर्न सबर्ब्स इस तरफ का रास्ता नहीं दिख रहा है, कार्ट रोड पे भी मांगने का मन नहीं कर रहा है कि जब तक ये अंदर नहीं होगा जब तक ये कॉन्स्पिरेसी चालू रहेगी। आप देखो, और जिस दिन ये अंदर हुआ, इसकी गैंग का एक भी बंदा पकड़ा गया, उस दिन से सारा ये चैप्टर क्लोज होगा। पर्सनली कभी कोई कॉल या वैसा नहीं आया?
लास्ट कॉल उसको मैंने किया था जब मैं लोनावला पुलिस स्टेशन में थी, और मैंने फेसबुक पे स्टेटस भी डाला था कि आई हैव रीच लोनावला पुलिस स्टेशन. अब सब सुबह की स्टेटमेंट की क्या है, यही मेरे कुछ शब्द, ओनली द जुबेर स्टेटमेंट इज लेफ्ट. तो जुबेर को स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन जब बुला रही थी वो नहीं आ रहा था. देयर आई गॉट अ डाउट. तो क्या है कि इतना साल हो गया डिपार्टमेंट में लाइफ को गुजार के काम करते हुए, इसी लाइन इसी इसी प्रोफेशन को मैंने पसंद कर लिया. तो क्या हो गया जब मैं पुलिस स्टेशन में, वहां पे ऑफिसर्स ने बताया वो आएगा ही नहीं पुलिस स्टेशन. रीजन ये है, वो रहा सामने हॉस्पिटल, मैडम आपके पास बंदे आप पर्सनली भेजो. तो जब मेरे बंदे गए वहां पे हॉस्पिटल, पूरा सीन पता चला, तो वो तो लोनावला पुलिस स्टेशन आने का सवाल ही नहीं उठता, और उल्टा वो पुलिस को ब्लेम कर रहा है, डिफेम कर रहा है कि पुलिस बिक गई है. पुलिस बिकती है, तेरे में हिम्मत है, जा जिस ऑफिसर को बोल रहा है उसके मुंह पे खड़े के बोल दे कि तू बिक गया है. मान जाओगी, बड़ा मर्द का बच्चा, पठान का बच्चा, एड़ा पठान, कचरे का डब्बा. अच्छा, इस 13 साल में इस केस ने आपको क्या सिखाया? आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा मत कर. एक ही वर्ड में बोलूंगी कि आज को अभी अगर कोई आता है मुझसे मदद मांगने, तो मैं तो बोलती पहले जाओ जाके उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लो. और देखो सिंपल वे है, उसको भी मैंने निकाल के कुछ दे नहीं दिया था जुबेर खान को, कि हाँ ये ले केस तेरा बन गया और तू जा खुश रह करके. उसने मुझे जो लिखा पढ़ी करके दी थी, झूठी लिखा पढ़ी कि मैंने सुसाइड किया, सलमान खान ने इन्वेलिट किया, वगैरह 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 स्टोरी. अब वो कहता है कि मैंने कोर्ट में केस फाइल किया है, तो सलमान खान की तरफ से स्टेटमेंट देने में खुद आऊंगी, सलमान खान की तरफ से स्टेटमेंट देने में खुद आऊंगी कि इस केस को मैंने कैसे इन्वेस्टिगेट किया, मैं कैसे जानती हूँ इस केस के बारे में, और इसकी चश्मदीद गवाह मैं कैसे बनती हूँ, वो देखना. सलमान खान को 101% मैं सपोर्ट करूंगी. अब पापा अपोजिट हो जाएंगे जुबेर खान को, क्योंकि पूरा झूठा उन्होंने, क्योंकि वो झूठा है. अगर वो सच्चा होता आप यकीन मानो मैं उसका साथ देती. तो कहीं ना कहीं सलमान खान सही थे अपनी जगह पे. देखो उनको वो भले ही कैसी भी औरतें हो, आपको बिल्कुल राइट्स नहीं है उनको गंदा बोलने का. अगर आपने किसी को गंदा बोला, आप एक प्रोस्टिट्यूट को भी प्रोस्टिट्यूट बोलते, तो यू आर पनिशेबल. आप अगर उसको हिंदी में गाली देते हो तो यू आर पनिशेबल, आपके ऊपर एफ आई आर बनती है, आपके आपके ऊपर धारा लागू होती है, आपको अंदर जाना पड़ता है, आपको बेल लेनी पड़ती है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. इसी चीज को लेकर सलमान खान ने जुबेर खान को बहुत डांटा था. एग्जैक्टली. तो फिर बाहर आके इन्होंने ये सब, एक्चुअली इन्होंने अंदर से सोच लिया था पूरा ड्रामा. इन्होंने कहा था ना, मेरे ख्याल से कोई एपिसोड नंबर है वो डालो आप, तो यू विल कम टू नो वेयर जुबेर खान इज सेइंग माय सिस्टर इज रनिंग एनजीओ. मेरी एनजीओ वाली एक बहन है, बाहर निकल के मैं उसको बोल के सबको एक एक को मैं उठा हटा के पटक के मारने लगाऊंगा. तो ये तो इसने पहले प्लान कर लिया था कि बाहर निकल के इसने किसको यूटिलाइज करना है. आपको इतनी नॉलेज नहीं थी उसके बारे में? नहीं देखो, मैं एक ही बात बोलूंगा, दिन भर में यहाँ 50 लोग आते हैं, ठीक है, और 50 में से एक कमीना निकलेगा, बाकी 49 को मैं उनका मदद करना छोड़ दूं, तो फिर ये मेरी सोच ही गलत है ना. और मैं बाकी की 49 पे ध्यान नहीं देगी, किसी एक के ऊपर ध्यान देने, उसने थोड़ा ना मेरे को 1 रुपया निकाल के दे दिया. इस प्रोफेशन में मैंने आज तक 1 रुपया कमाया नहीं है, इस प्रोफेशन में आज तक का मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया है. तो कोई भी इंसान मेरे सामने आके किस रुपए से बोल सकता है कि ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रही है? डर की बातें. जो वो उस्मान चौधरी अपने आप को बता रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग में आपको पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग भेजूंगी, आप उसमें देखना, आपको जो लगता है आप दर्शकों को सुनाओ. उसमें वो बोल रहा है कि मैं दिल की मरीज हूँ, तो उसको कैसे पता कि मैं दिल की मरीज हूँ? यानी कि जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं उनको मेरे डॉक्टर का नाम भी मालूम है. क्यों मालूम है? क्योंकि मैं जुबैर खान का ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए माचिस वाला के पास लेके गई थी, तो उसको ये पता है कि आई हैव अ वॉक इन रिलेशनशिप देयर, कि मैं वहां पे किसी भी पेशेंट को लेके जा सकती हूँ. तो उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ इसके और मेरे बीच में थी, वो चीज जब थर्ड पर्सन एक्सटॉर्शनर वो वर्ड्स को यूज कर रहा है, तो मेरे लिए तो पिक्चर क्लियर है. अब पुलिस को क्लू निकालना है कि इनका और इनका क्लू सेट कैसे होता है. 101 पूरा दोषी आप किसको मानती हैं? जुबैर खान को मानती हूँ. और अगर मुझे कुछ भी होता है राई बराबर, जैसे कि अभी वो एक्सटॉर्शनर्स बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा घमंड है, पता नहीं क्या 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 वो बोलते हैं, उनकी मर्जी है, उनकी जबान है, कुत्ते के बच्चे कुछ भी बोलते हैं. तो कहते हैं कि एसिड वाला बल्ब मारेंगे जब मैं पब्लिक मदद के लिए बाहर निकलूंगी, पब्लिक में बाहर निकलूंगी, और पब्लिक में मैं डेली बाहर निकलती हूँ, पब्लिक में मैं बाहर निकलूंगी तो मेरे पे बल्ब मारेंगे. या अगर मेरे पे कोई एसिड अटैक होता है, या मेरे पे कोई जानलेवा हमला होता है, या मुझे कोई गोली लगती है, मुझे बोलते हैं कि मेरे नाम का क्या तैयार करके बैठे हैं वो लोग, कैप्सूल तैयार करके 9 mm की 4 साल पिस्टल लेके बिठा के रखे वो लोगों ने.
किन लोगों ने, इन एक्सटॉर्शन से। तो ये जो एक्सटॉर्शनर्स मुझे जो धमकी दे रहे हैं, अगर मुझे राई बराबर भी कुछ भी होता है, राई बराबर भी कुछ भी तकलीफ पहुंचती है, मैं लाइव बता रही हूँ, और इस चीज का एक ही बंदा, सबसे पहला बंदा जिम्मेदार होगा, जुबैर खान। उसको लगता है कि वो अपना घटिया फालतू दिमाग यूज करके मुझसे कुछ पैसे ऐट लेगा, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं उसको एक रुपया नहीं दूंगी, उसके कितने भी गैंग वॉर्स गैंगस्टर्स फोन करें। तो ये सब पैसे को लेके अब खेल हो रहा है। यस, ये पैसों का खेल है। उसने पता है बोला कि उसके किसी बाइट पर मैंने सुना, जुबैर भाई तुम सेटलमेंट मत करना, सेटलमेंट करोगे तो तुम मुझसे पूछना। और बोलता मेरे पास रिकॉर्डिंग है तो रखना रिकॉर्डिंग संभाल के। क्यों? ये मेरा रूल है और ये मेरा लॉ है कि जैसे हर एनजीओ के बायलॉज होते हैं, वैसे मेरे भी अपने बायलॉज है कि जब मैं किसी की कंप्लेंट लेती हूं तो मैं तुम्हारे लिए सामने वाले से लड़ रही हूं, तो तुम जब उसे कॉम्प्रोमाइज करो तो मुझे बता के करो। तुम ही लोगे पैसे उससे, तुम ही उसके घर में जाके रहोगे, तुम अगर हस्बैंड हो तो बीवी तुम्हारी तुम्हारे साथ जाने वाली है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जब भी सेटलमेंट कोई भी करता है तो वो मुझसे बता के करे। इट इज बाय द ऑर्डर कि तुम कर रहे हो सेटलमेंट तो मुझे बताओ। तो तुम बोल रहे हो कि मैंने तुमको बोला सीपी के ऑफिस के बाहर कि 1 crore में बिग बॉस वालों से इसको निकाल के दूंगी, ये अल्फाज उसके पास है जो उसने कह दिए, और एक्सटॉर्शनर्स भी बराबर 1 crore ही मांग रहे हैं। सच का साथ है, जो तुम्हें सही लगे वो करो। और हर बार मैं बताती हूँ कि ऊपर वाले ने हर एक शख्स को इम्पोर्टेंट बनाया, एवरी लाइफ इज इम्पोर्टेंट। तो मेरे दर्शकों के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग मी एंड अंडरस्टैंडिंग मी। और अगर आप लोगों का साथ रहा तो ये जो मैं हेल्प कर रही हूँ तो कुछ भी नहीं, अब तो बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो मेरी छोटी छोटी चीज़ों को काउंट कर रहे हैं,